नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी के मन की बात का 104वां एपिसोड है आज। 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स, 14 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 27 अगस्त को अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश निवासियों से बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का यह 104वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि इस कार्यक्रम में झारखंड के लोहरदगा के मसीयातु गाँव की चर्चा होने वाली है। पीएम ने इस गांव का चुनाव आत्मनिर्भर भारत के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए किया है। इस गांव के लोगों की खासियत है कि वे बांस से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पीएम इस गांव के लोगों से बात भी कर सकते हैं। वहीं हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक कहा गया कि 23 करोड़ लोग मन की बात के रेगुलर लिसनर्स है। वहीं कम से कम 100 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को एक बार जरूर सुना है। मन की बात के 103वें एपिसोड में पीएम मोदी ने शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, आज देश में अमृत महोत्सव की गूंज है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में शहीदों की याद में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी के मन की बात का 102वां एपिसोड 18 जून को आया था। इस एपिसोड में उन्होंने योग दिवस एमरजेंसी स्पोर्ट्स 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और प्रकृति संरक्षण को लेकर बात की थी। यह शो महीने के आखिरी रविवार को टेलीकास्ट होता है, लेकिन पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर थे। ऐसे में प्रोग्राम को 18 जून को टेलीकास्ट किया गया था। पीएम मोदी ने मन की बात के 101वें एपिसोड में युवा संगम देश के म्यूजियम, जल संरक्षण और सावरकर की जयंती पर आधे घंटे की बात की थी। पीएम ने सावरकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा था, वीर सावरकर का निडर स्वाभिमानी स्वभाव कभी गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करता। मन की बात देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। IIM रोहतक ने बात मन की बात को लेकर एक स्टडी की थी, जिसे प्रसार भारती ने करवाया था। IIM के डायरेक्टर धीरज शर्मा और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन हिंदी के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में किया गया था। इसमें करीब 10,000 लोगों को शामिल भी किया गया था। तो आइए रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी आज B20 इंडिया समिट को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया पर लिखा, प्लेटफॉर्म कारोबारियों को साथ लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे B20 इंडिया समिट को संबोधित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा, यह प्लेटफॉर्म कारोबारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक साथ लाएगा। B20 इंडिया के अध्यक्ष N चंद्रशेखर ने कहा कि इसका विषय सभी व्यवसायों के लिए जिम्मेदार, त्वरित, नवीन, टिकाऊ और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। B20 सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। B20 का अर्थ बिजनेस 20 है, जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऑफिशियल G20 डायलॉग फॉर्म है। B20 को साल 2010 में बनाया गया था। इससे पहले 25 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें कई दिग्गज बिजनेसमैन शामिल हुए थे। वित्त मंत्री ने कहा, बीते हुए कुछ समय में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर साइन किए हैं। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा होने के बहुत करीब है। वहीं कनाडा के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत बहुत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ FTA को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। 9 मिनट के वीडियो में मैसेज में पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि हम वाराणसी में मिल रहे हैं, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। काशी ने केवल दुनिया का सबसे पुराना जिंदा शहर है, बल्कि सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो यहाँ से दूर नहीं। आइए नजर डालते हैं एक ऐसी ही खबर पर। पंजाब CM मान का गवर्नर को जवाब।
समझौता नहीं करूंगा, बोले सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। राजस्थान से चुनाव लड़े, वहां ऑर्डर देते रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि गवर्नर को अलग लगता है कि उनकी चिट्ठी के बाद सीएम की कुर्सी छीनने के डर से मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तो जान ले मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मान शनिवार को गवर्नर बीएल पुरोहित को उनके लेटर का जवाब दे रहे थे। मान ने कहा कि गवर्नर की चिट्ठी में उनकी पावर हंगर की झलक मिलती है, उन्हें ऑर्डर देने की आदत है, चिट्ठियां भी शायद ऊपर से लिखवाते होंगे, गवर्नर तो सिर्फ साइन ही करते होंगे। शुक्रवार को गवर्नर बीएल पुरोहित ने मान को चिट्ठी लिखी, इसमें राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। पंजाब में वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गवर्नर बीएल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच लगातार खींचतान चल रही है। गवर्नर अलग अलग मुद्दों पर सीएम को 6 से अधिक लेटर लिख चुके हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि रोज की किचकिच लगा कर रखी है, इसको लेकर मैं आज सारी डिटेल शेयर करूंगा। यह कोई नई बात नहीं कि राज्यपाल चिट्ठी लिखे और उसमें कोई ऑर्डर या लैंग्वेज लिखे जिससे पंजाबियों को नीचा दिखाया जाता है। हम जवाब देते रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, ऊपर से ऐसे ऑर्डर होंगे, पंजाब ही नहीं दूसरे राज्य भी इस दुख से पीड़ित है। कल गवर्नर ने पंजाब में शांति पसंद लोगों को जो धमकी दी है कि मैं आप पर राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा और मैं धारा 356 रिकमेंड कर दूंगा और सरकार तोड़कर गवर्नर राज की सिफारिश कर दूंगा। लड़ाई तो 16 मार्च से ही चल रही है, अब निचले स्तर से समझकर हल्ला बोल पर आ गया है। गवर्नर सीधी धमकी दे रहे हैं, चिट्ठी का जवाब ना देना क्या राष्ट्रपति राज का कारण हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जब गवर्नर की मीटिंग होती है तो हम यही आंकड़े उन्हें देते हैं, उन्हें सब पता है। अब लेटर निकालकर बोल रहे हो कि लॉ ऑर्डर खराब है। गवर्नर ने मुझे 16 चिट्ठियां लिखी, उनमें से 9 का जवाब दे चुके हैं, बाकी के जवाब तैयार है। कई बातें ऐसी पूछी जिनकी जानकारी लेने में समय लगता है। गवर्नर के पास 6 बिल पेंडिंग है, इनके अलावा 2 पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त के हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आप देख रहे हैं MNS News।